सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि मैच विन किया और बैक टू बैक मैच विन करना एज अ टीम काफ़ी अच्छा है। लड़कों का कॉन्फिडेंस काफ़ी अप है और इसके बाद जिस तरह चार आउट करना, सबसे पहले तो कोशिश ये की थी कि विकेट को रीड किया जाए, क्योंकि जब मैंने बॉल किया, जब शाहीन भी बॉल कर रहा था या जमान बॉलिंग कर रहा था, तो उसमें देखा कि यार थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा है, तो स्लो वन की ज़्यादा कोशिश की कि वो ट्राई की जाए, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था बैट्समैन के लिए। ये तो मुझे आप अभी बता रहे हैं, मैं इतना फोकस नहीं करता। मेरा तो कोशिश ही होती है कि मैचेस पे ज्यादा फोकस किया जाए और अपना इनपुट मैच के अंदर दिया जाए, टीम के लिए जो भी एफर्ट्स हैं वो 100% दी जाए। जब कोशिश करता हूँ, बाकी विकेट्स तो मेरे माइंड में नहीं होती, कोशिश करता हूँ कि डॉट बॉल्स करूँ ज्यादा, जितने ज्यादा डॉट बॉल करूंगा वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। कभी भी ऐसा प्रेशर तो नहीं होता, कोशिश करता हूँ जब मुझे ओवर दिया, जब मैं तीसरा ओवर करने के लिए आया, कोशिश की यहाँ पे अगर एक विकेट गिरती है तो टीम को फायदा होगा, और कोशिश की जब वहाँ पे विकेट ली, यंग को आउट किया, तो उससे जिस तरह उनका थोड़ा सा एक मोमेंटम ब्रेक, थोड़ा सा मोमेंटम उनका टूटा और हमें फायदा हुआ। नो डाउट, जिस तरह की हमेशा भी जब भी बाबर भाई की बैटिंग, आप सब जितने भी हैं सब इंजॉय करते हैं, और पर्सनली तो मैं खुद काफ़ी लाइक करता हूँ, और जिस तरह उन्होंने आज 100 किया और जिस सिचुएशन में, जिस तरह हमारी जब बैक टू बैक विकेट्स गिरना और दोबारा उसको मोमेंटम को पकड़ना और एक अच्छा टोटल सेट करना, उसके बाद खुद का 100 करना लास्ट बॉल्स पे जिस तरह, और वो तो काफ़ी उसकी मतलब हम खुद बड़े एक्साइटेड थे कि यार वो 100 करें, और जिस तरह उन्होंने 100 किया उनको हैट्स ऑफ उनके लिए। देखें, मेरी जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट है वो टोटली बाबर भाई की कप्तानी में है, और बाबर भाई नो डाउट जिस तरह के वो प्लेयर हैं और वो जिस तरह अंदर आपको जब एज अ प्लेयर सपोर्ट कर रहे होते हैं उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, और वो आके कॉन्फिडेंस देना, उसके बाद बताना, पूछना कि यार क्या फील्ड सेट करूँ, क्या माइंड में चल रहा है, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। और बाबर भाई की कप्तानी में जिस तरह एक बंदा काफ़ी रिलैक्स होता हूँ और इन्जॉय करता हूँ उनकी कप्तानी को।